रायबरेली में रिटायर्ड कर्मचारी को पड़ोसी और उसके बेटों ने बुरे तरह से पीटा। कीचड़ में तेज रफ्तार गाड़ी चलाने वाला युवा, कई बार मना करने वाले दुकानदार को पूरे परिवार के साथ मिलकर पड़ोसी ने बुरी तरह से पीटा और उसकी दुकान तोड़फोड़ की। मामला मलेरिया थाना क्षेत्र के घसियारी मंडी का है, जहां पर रहने वाले कलेक्ट्रेट के रिटायर्ड कर्मचारी सीएल जौहरी का एक छोटा सा ज्वेलरी की दुकान चलाते हैं, जिन्हें आज पड़ोसी ने अपने परिवार के साथ मिलकर बुरी तरह से पीट दिया। दरअसल सड़क में जलभराव है। पड़ोस में रहने वाले अनिरुद्ध पांडे और अमन पांडे तेज रफ्तार गाड़ी लेकर निकलते हैं, जिसकी वजह से नाली में भरे पानी की छींटे लोगों के घरों और दुकानों के अंदर जाती है। इस बात पर आपत्ति करने पर रिटायर्ड कर्मचारी सीएल जौहरी को अनिरुद्ध पांडे, अमन पांडे और उनके पिता ने मिलकर लाठियों से पीट दिया, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। पड़ोस में रहने वाली मालिनी शकीना और रेशमा अंसारी ने बताया कि दोनों ही लड़के दबंग प्रवृत्ति के हैं। पड़ोसियों ने यह भी बात बताई कि इन लोगों को तेज़ रफ्तार गाड़ी चलाने के लिए काफ़ी बार मना किया जाता है, क्योंकि सड़क पतली और जलभराव की गंदे पानी के छींटे लोगों के घरों में जाते हैं, साथ ही मोहल्लों में खेलने वाले छोटे बच्चों का भी खतरा बना रहता है। लेकिन मना करने पर अनिरुद्ध और अमन सबको गालियां देते हैं। आज उन्होंने अपनी दबंगई को एक बुजुर्ग के ऊपर दिखाते हुए उसे पीट डाला। अंशु श्रीवास्तव, टीवी इंडिया 18, जिला संवाददाता, रायबरेली। मेरा नाम रेशमा अंसारी है। ये किस बात का झगड़ा हुआ आज? ये बस वो बेचारे दुकानदार बैठे थे, अब ये आया गाड़ी इतनी तेज लेके, वो बोले भाई गाड़ी धीरे चलाओ, पूरा छींटा ऊपर जा रहा, बस आया डंडा लेके उनको मारने लगा, पूरी इनकी दुकान तोड़ फोड़ करने लगा। वो अकेले बेचारे बूढ़े बैठे थे, बुजुर्ग आदमी कोई नहीं, तो छुड़ाने वाले जो गए बेचारे, वो पिंकू गए छुड़ाने, ये गए तो उनको मारना शुरू कर दिया। वो इतनी बुरी तरीके से उनको भी मारना पीटना चालू कर दी, जो ही जा रहा उसी को मार रहा है, वो हमेशा इसी तरह ये करता है। कौन है ये जो मारपीट कर रहे हैं लगातार? ये हैं वो गली में रहते, नाम हमें नहीं पता है, पंडित हैं वो, पंडित पंडित उनको कहा जाता है, गली में रहते हैं। उसके दो लड़के, तीन जन मिल के मारपीट किए यहाँ पे आके, बेचारे जो छुड़ाने गए उनको अलग मारे। कहाँ रहने वाली, क्या मामला हुआ था? ये मंडी में रहते हैं और मुझे तो कुछ पता नहीं, मैं अपने घर में काम कर रही थी। फिर उसके बाद मैंने देखा कि ये हमारे पड़ोसी बगल में जो पंडित रहते हैं, ये तीनों लोग इधर गाली गलौज कर रहे थे। मैंने ऊपर से ही देखा कि गाली गलौज कर रहे हैं, और फिर उसके बाद उनका बड़ा वाला बेटा डंडा लेकर आया, और हमारे ससुर जो रिटायर हो चुके हैं, बूढ़े हैं, उनके ऊपर डंडा लगाने लगा, डंडा मारने लगा उनको। तो फिर जो सामने से जो हमारे पड़ोसी वो आए, उन्होंने बचाया, अगर वो नहीं बचाते तो वाकई वो मार डालता। अच्छा, आपके ससुर जी किस विभाग में थे, क्या काम करते थे? वो कलेक्ट्रेट में थे। अच्छा, तो अभी ये लोग कहाँ पे हैं, मतलब आपके ससुर लोग कहाँ हैं? थाने में। अरे किस बात का झगड़ा हुआ, तो कुछ पता है क्या है, लिए मारपीट हुई है? ये लोग हमेशा मतलब लड़ाई करते ही रहते हैं, हाँ देख लेते हैं तो गाली गलौज करते ही रहते हैं, देख कर गालियाँ देते हैं, जबकि हमारा कोई लेना देना नहीं, हम अपने काम से काम रखते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग। अच्छा, आपके दुकान पे भी तोड़फोड़ हुई है? हाँ, दुकान हमारी तोड़ दी पूरी, लूटपाट किया। उनका जो छोटा लड़का है ना, जो वो भी बहुत बहुत बदतमीज है, गाली देने में, मारपीट करने में बहुत नंबर वन है, उसने भी ये नहीं, मतलब कोई सभ्यता नाम की चीज़ नहीं है। अरे देखिए, इस मारपीट में सभी लोग आपको कह रहे हैं कि आप सही हैं, वो लोग गलत है, पूरा मोहल्ला आपके साथ में खड़ा हुआ है, तो क्या ये लगातार हरकतें करते चले आ रहे थे कि पूरा? इसके पहले भी ये लोग कर चुके हैं, बिना वजह बिना बात के।